हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आर्मी ऑर्डर्स कॉर्प्स ट्रेड्समैन का परीक्षा हो चुका है, बहुत टाइम हो गया है, मतलब 1 मंथ से ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया है। अब सबको यहाँ पर रिज़ल्ट का काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि अब कब रिज़ल्ट आएगा। तो फायरमैन का रिज़ल्ट आ चुका है, अब उनका DV का डेट आएगा, मेडिकल टेस्ट का, जो भी आपको मेडिकल का देना रहेगा वहाँ पर। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको DV से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। वो सिर्फ फायरमैन के लिए नहीं है DV का प्रोसेस, वो सारे यहाँ पे, चाहे वो इलेक्ट्रिशियंस हो, ट्रेड्समैन हो, और सबके लिए वो सेम ही है DV का प्रोसेस, और किसी के लिए अलग नहीं है। तो वो DV वाला वीडियोस प्लीज़, मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं DV का, दोनों वीडियोस आप सबको देखना है, चाहे वो ट्रेड्समैन हो, इलेक्ट्रिशियंस हो, सबको हो। जब आपका रिजल्ट निकल के आएगा तो आपको वही फॉलो करना है, वही रूल्स आपको फॉलो करना है DV का, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ अब किसका रिज़ल्ट आने का चांसेस। फायरमैन का आ चुका है, फायरमैन के बाद अब किसका आने के चांसेस है रिज़ल्ट का, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, बेस्ट टू बेस्ट, A to Z सारे इन्फॉर्मेशन लेके आता है। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फ्रेंड्स, एक-आध दो वीडियो से मेरे काफ़ी एक दो बच्चों ने कमेंट्स किया कि मैम स्टूडेंट्स की आवाज़ थोड़े से आते हैं। बच्चे, मैं आपको बता देना चाहती हूँ सारे बच्चों को कि ये पूरा क्लासेस है, आजू बाजू के एरियाज़ हैं, थोड़े से यहाँ पर आवाज़ आती है। सारे स्टूडेंट्स, बच्चे से लेके बड़े तक के, यहाँ पर हम गवर्नमेंट की जॉब के भी सब कुछ यहाँ पर हम बताते हैं। तो कुछ बस छोटे बच्चों का भी यहाँ पे क्लासेस है, इस वजह से काफ़ी यहाँ पे थोड़े से शोरगुल होते हैं, और हमारा वीडियोस वगैरह भी सब कुछ यही क्लासेस में ही बनता है, स्मार्ट नॉलेज चैनल के क्लासेस पे, तो थोड़ा बहुत आवाज़ आती रहती है, ठीक है। तो चलते हैं मेन इन्फॉर्मेशन में, कि मेन इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब किसका रिजल्ट आने का चांसेस है आज की डेट की लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको बताती हूँ मैं। तो अब इलेक्ट्रिशियन का रिजल्ट आने के चांसेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक पोस्ट में अलग अलग बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है। ट्रेड्समैन और स्टेनोग्राफी में बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है, तो उसके रिज़ल्ट अभी थोड़ा बाद में ही आएंगे। अब यहाँ पे 2 या 3 दिन के बाद अगर रिज़ल्ट जब आने के चांसेस है वो है इलेक्ट्रिशियंस का, इसमें काफ़ी कम बच्चे हैं, तो अभी इसका ही आने के यहाँ पर चांसेस है कि अब इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। 2 या 4 डेज के बाद ही आसपास आने के चांसेस है इसका, ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा, आसपास नेक्स्ट वीक तक आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिशियंस का। तो जो बच्चे लोगों ने फॉर्म भरा है इसमें इलेक्ट्रिशियंस का, आज वो क्या करेंगे यहाँ पे कमेंट्स करेंगे कि आप लोगों ने फॉर्म भरा, येस और नो में कमेंट्स करेंगे जो जो बच्चे इलेक्ट्रिशियंस के यहाँ पे हैं। तो थोड़ा सा हमें सबको एटलीस्ट पता चला है कितने बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस के यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से एक मुझे आपको इन्फॉर्मेशन बताना है, बट वो इन्फॉर्मेशन बताने के लिए मुझे सबका यहाँ पर ऑब्जर्वेशन चाहिए यहाँ पर। तो कितने लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिशियंस का फॉर्म भरे हैं सब लोग मेरे आज इस वीडियो पर यहाँ पे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करने वाले हो कि कितने लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट्स हैं। जितना सब पता चलेगा तो मैं आपको थोड़ा सा गुड न्यूज़ बताऊंगी, अगर जितना ज़्यादा बच्चे का मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा तभी मुझे गुड न्यूज़ पता चलेगा, तभी ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता सकूँगी कि हाँ इसमें एग्जैक्ट क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से अब आपको जिस जो भी इलेक्ट्रिशियंस के हैं वो काफ़ी अभी वेट करना अब उनको नहीं पड़ेगा, अब उनका रिजल्ट आने जल्दी से जल्दी आपका नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। एंड ट्रेड्समैन और स्टेनोग्राफी को लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो थोड़ा इसका इंतज़ार ही आपको करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और एक नया सजेशन के साथ में। अगर किसी को कुछ भी पूछना है, फायरमैन वालों का रिजल्ट निकल चुका है, अगर आपको DV से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर कमेंट्स कर सकते हो। कुछ भी डाउट्स है DV को लेकर प्लीज़ आप DV प्रॉपर लेके जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ कैरी ऑल डॉक्यूमेंट्स, ओके। Thank you so much, friends.